बुगी एंट्री की। आप ये वाली अगर आइसोलेट करते हैं, ये कॉक है, यदि आप आइसोलेट करते हैं तो आपकी एक वो वाली वो भी आइसोलेट हो जाएगी उधर वाली। अगर आप इसको आइसोलेट करते हैं तो वो भी आइसोलेट हो जाएगी। B01 में ये B02 में बोगी आइसोलेशन कॉक है। सी इसे बोलते हैं ईपीआईसी, इलेक्ट्रोन्यूमेटिक आइसोलेशन कॉक, यहाँ से है, ठीक है, ईपीआईसी बोलते हैं, ईपीआईसी, ठीक है। इसमें यही है, आप यहाँ से आपकी बोगी में कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से इसको आइसोलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ है। अब ये आ जाइए इस पे, इधर इसमें तीन कॉक दिए गए हैं, तीन कॉक दिए हुए, एक दो तीन। ये है आपका जो है एयर स्प्रिंग का, यहाँ से यदि आप आइसोलेट करते हैं तो एयर स्प्रिंग, यहाँ से चारों एयर स्प्रिंग आइसोलेट हो जाएगी, चारों हो जाएगी यहाँ पूरा, ठीक है। आप आइसोलेट यहाँ से किए, गाड़ी की स्पीड 60 km/h आ जाएगी। यह ऐसा सर्विस रिजर्वायर का कॉक, यहाँ से अगर आप इसको आइसोलेट करते हैं तो सर्विस रिजर्वायर का टैंक आपका आइसोलेट हो जाएगा। यह पीवीआईसी, पार्किंग ब्रेक आइसोलेशन कॉक, ये है पार्किंग। ये आप यहाँ से इसको आइसोलेट कर देंगे, उस कंडीशन में आपने आइसोलेट कर दिया, आइसोलेट तो हो गया, लेकिन आपके व्हील फिर भी फ्री नहीं होंगे जब तक आप वो स्पेंडल नहीं खींचेंगे। जो पार्किंग ब्रेक का कैलीपर लगा हुआ है वो सामने लगा हुआ कैलीपर पे, अच्छा वो कैलीपर का जब तक आप स्पेंडल नहीं खींचेंगे। अब आप एक आदमी खींच के देखिए उसको थोड़ा सा, हाँ नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, अब फ्री हुआ, अब फ्री हो गया, ठीक है। ये है इसकी कंडीशन, ये पार्किंग ब्रेक के लिए। हाँ, इसका क्या नाम दिया था? पीवीआईसी, पार्किंग ब्रेक आइसोलेशन कॉक, आईसी आइसोलेशन का, और पार्किंग ब्रेक हो गया, वो हो गया एसआर का और ये हो गया आपका एयर स्प्रिंग का। उधर दिखा दिया आपको बोगी वन बोगी टू, एयर स्प्रिंग से दोनों चारों, ठीक है। इसको बंद कर दो, दोनों करना जैसे हो गया।